हेलो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल नंबर टू। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की है, थोड़ा ध्यान से देखें, स्किप ना करें इसे। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, प्रूव दैट द कोर्ड्स आर इक्वल। हमें गिवन दे रखा है एक सर्कल COR जहां पर दो कोर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं और उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक डायमीटर पास करता है और उसके डायमीटर के साथ जो एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल है। वो मैंने यहाँ लिखे एंगल AEQ और DEQ। जब AEQ और DEQ बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं एंगल LEO और एंगल MEO ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए OL परपेंडिकुलर AB पर और OM परपेंडिकुलर इस पर, OM परपेंडिकुलर CD पर। तो प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। प्रूफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोर्ड बाइसेक्ट द कोर्ड, मतलब सेंटर के सर्कल से कोर्ड पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो कोर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो उससे ने लिखा AL इक्वल टू BL हाफ ऑफ AB, CM इक्वल टू DM हाफ ऑफ CD, बिल्कुल थ्योरम नंबर 10.7 की तरह। अब चलते हैं आगे, ये वाला पॉइंट देखते हैं। ट्राइंगल OLE और OME में इसमें क्या है, एंगल LEO एंगल MEO दोनों बराबर है, हमें गिवन दे रखा है एंगल OLE और OME ये दोनों बराबर होंगे। हमें कंस्ट्रक्शन में बता दें क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे हमने, इसलिए OE कॉमन है। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे ASA कॉन्ग्रेंट रूल के द्वारा। इसके बाद हमने बताया OL OM के, OL जो है OM के इक्वल है। तो हम थ्योरम हमने अभी देखी थी थ्योरम नंबर 10.6 और 10.7 में, जो बताया कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कोर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कोर्ड लंबाई में भी इक्वल होंगे। तो इसलिए AB इक्वल टू CD।